हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर यहाँ पर जो है बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आपकी अपने इन्फोसिस टीम की तरफ से। बता दो, फिर इन्फोसिस का जो एग्जाम हुआ था 4th एंड 5th जून का, मे बी 6th जून को भी एग्जाम हुआ होगा किसी ना किसी का, तो मुझे पता नहीं है। बट राइट नाउ जिन लोगों का भी एग्जाम हुआ था 4th एंड 5th जून में, उनका जो है एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पर दो तरीके से इन्फोसिस ने ही रिक्रूटमेंट करा था, दोनों ही कंपनी इन्फोसिस की ये फ्रेंड। पहली कंपनी आपकी इन्फोसिस फाइनेकल, दूसरी आपकी एडवर्ब जो कि आपका एन इन्फोसिस कंपनी है। तो दोनों का ही एग्जाम सेम दिन ही कंडक्ट करवाया गया था। और आज के दिन फ्रेंड, आज आपका हो गया है 7th ऑफ जून, तो आप लोग फिर देखोगे तो मात्र 2 दिन के अंदर में जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोग कैसे डॉक्यूमेंट को सेंड करने होंगे, क्या इसके बाद कोई इंटरव्यू होने वाला है, हम लोग जो है डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल इफ यू क्वालिफाई फॉर द इन्फोसिस फाइनेंशियल और इन्फोसिस एडवर्ब सिस्टम लिमिटेड। ओके, सो बोथ कंपनी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द इन्फोसिस कंपनी। ओके, सी फ्रेशर्स डिटेल रिक्वायर्ड एडवर्ब सिस्टम लिमिटेड इन्फोसिस। डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, प्लीज शेयर द बिलो डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। सो दिस इज फ्रॉम एडवर्ब एंड द नेक्स्ट स्क्रीन शॉट इज फ्रॉम इन्फोसिस फाइनेंशियल। हियर यू कैन सी, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द टेस्ट एंड टू फर्दर प्रोसीड विद योर कैंडिडेट, प्लीज फिल द डिटेल्स, प्लीज फिल इन द डिटेल्स बिलो। ओके एंड सी, यू आर सपोज टू गिव द फुल नेम। ओके, तो आप लोग कैसे फुल नेम देने वाले बता दो। फ्रेंड आप लोग को जो है बेसिकली आप लोग यहाँ पे एक मिलेगा रिप्लाई का बटन, इसे आप लोग बेसिकली यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और ये जो आपका कॉलम बना हुआ है ना, ये कॉलम जो आपका बना हुआ है, ठीक है, ये कॉलम जो बना हुआ है, जब आप लोग जो रिप्लाई करोगे ना, तो इसे आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ से आप लोग माउस से सिलेक्ट कर लेना, इसे कॉपी कर लेना और कंट्रोल सी और भी कर देना, ठीक है। और ये आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद आप लोग यहाँ पर नाम लिख देना, मान लो कि आपका नाम है, लेट्स सपोज आपका नाम है फ्रेंड राम, तो आप लोग यहाँ पर राम लिख दो। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना। डिग्री आपने क्या कर रखा है, बीटेक, एमईएमटेक, जो भी आपका डिग्री डिग्री है। ब्रांच आप लोग CS, IT, EEE, EEE लिखना, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 22 या 23 जो भी आपका है नो मेंशन करना। कॉलेज का नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, कॉलेज का नाम आपको फुल फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लो किसी का नाम है BIT, तो बिट नहीं लिखना है आप लोग का, जो भी होगा फिर वैल्यू जो भी, फुल नेम लिखना है। एनी बैकलॉग, इफ यू हैव एनी बैकलॉग जस्ट टाइप ओवर देयर 3 और 4, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर 0 डाल देना है, जस्ट हिट 0। तो मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम देयर। ओके, जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल रिप्लाई, जस्ट क्लिक ऑन रिप्लाई एंड कंट्रोल भी, आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर इफ यू आर डूइंग जॉब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस, तो आपको अपना करंट कंपनी का नाम डालना होगा, करंट लोकेशन डालना होगा, नोटिस पीरियड डालना होगा। इफ यू आर वर्किंग इन एनी टाइप एनी इन एनी कंपनी एंड इफ यू वांट टू जॉब इन इन्फोसिस एडवर्ब लिमिट सिस्टम लिमिटेड विच इज ऑल्सो इन्फोसिस कंपनी। ओके, तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द टेस्ट टू फर्दर प्रोसीड विद योर कैंडिडेचर, प्लीज फिल द इन द डिटेल्स बिलो। आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, फिर सेम आप लोग को यहाँ पर आओ, माउस से आप लोग को होवर करना है और इसे आप लोग पूरा कंट्रोल सी करना है, फिर आपको रिप्लाई यहाँ पर रिप्लाई क्लिक करना है, फिर आपको कंट्रोल भी करना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, डिग्री आपने BE, BTEC जो भी कर रखा होगा उसे, ब्रांच आप लोग लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज का नेम आप लोग फुल फॉर्म में लिखना है, नोटिस पीरियड अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो तो, अदरवाइज यहाँ पर आपको जो है NA डाल देना है अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हो तो। वी विल मूविंग फॉरवर्ड विद इंटरव्यू आफ्टर योर सबमिट द डिटेल्स। ओके एंड चलिए आप कुछ कुछ डाउट्स को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप पेश करता हूँ बैक। ओके, हाउ टू चेक रिजल्ट, बेसिकली आपको ये मेल आने वाला है, इसे आप लोग जो है career.infosys.com पे जाकर चेकआउट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप आईज ऑन योर ईमेल्स और स्पैम फोल्डर एज वेल। कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, बेसिकली आप लोग का जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड, उसका जो आप लोग कट ऑफ बता दो फ्रेंड, आपको 60% के आसपास जो कट ऑफ रहा है आप लोग में से, जिन लोगों का भी यहाँ पर इंटरव्यू मेल आने वाला है। और जिन लोगों पर अब तक नहीं आया है बता दो फ्रेंड, अभी आप लोग जो आज तक आप लोग वेट कर सकते हो, क्योंकि आज ही रिजल्ट जो डिक्लेयर होना चालू हुआ है 12:36 PM से, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका 1:30 PM। ओके, और इंटरव्यू लेवल पर मैं, इंटरव्यू लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है, कंप्लीट इंटरव्यू से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हाउ टू सबमिट इट मैंने बता दिया, इज एनी इंटरव्यू और डाइट ऑफ फिल्टर सी, देर इज ए इंटरव्यू, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आपको एक कॉल पर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो है फ्रेंड ऑफर लेटर आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर चांसेस है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली जिनके पास एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि उनके पास जो छोटा सा इंटरव्यू होगा उनके पास उस पर डायरेक्ट ऑफर लेटर देखने को होगा। बट जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, उनका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है फ्रेंड। अब मैं आपको देने वाला हूँ 2 लिंक प्रिपरेशन करने के लिए, उससे आप लोग दोनों से थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और आप बता दो फ्रेंड, यहाँ पर इंटरव्यू जो है काफ़ी जल्द आप लोग का इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 3 to 4 days के अंदर में आप लोग का जो इंटरव्यू मेल आना चालू हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड ये है आपका इन्फोसिस का साइट, आप लोग फिर थोड़ा बहुत यहाँ से भी इन्फोसिस प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। बेसिकली आप लोग फिर मोर फोकस करना
ठीक है, अपने रिज्यूमे के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। आप लोग ज़्यादा और टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, तो जस्ट जस्ट प्रिपेयर वाट एवर यू हैव मेंशन इन योर रिज्यूमे। आपका स्किल्स हो गया, आपका प्रोजेक्ट हो गया, आपका आप लोगों ने जो भी प्रिपेयर कर रखा है अभी तक अपने रिज्यूमे में, उसे प्रिपेयर कर लेना। लेकिन अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आई कॉन्टैक्ट, आप लोग जो भी अपने अपने आप को दिखा सकते हो उनको, वो चीज़ अपने अपना प्रॉपर रखना फ्रेंड, ठीक है। मान लो आप लोग टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बोल पाते तो डरने की बात नहीं, बट यू हैव टू प्रिपेयर बाई योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंस। आप लोग को एक बार प्रिपेयर कर लेना मिरर के सामने बैठे कि आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, ठीक है। फ्रेंड ये है आपका एज वर्ब का सिस्टम, ठीक है। तो एज वर्ब में कितने भी जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था फ्रेंड, इन दोनों का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग जाओ यहाँ पर चेकआउट करो कि किससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। टेस्ट हुआ था, उसके बाद क्या पाइथन प्रोग्राम क्वेश्चन, आप लोग पर गो थ्रू हो जाना, आप लोगों को सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग को ऑन गोइंग जो भी अभी चल रहा है करंट में, अगर उसके ऊपर मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को ट्राई करूंगा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट सभी को जिसके पास इंटरव्यू का मेल नहीं आया तो वेट करना, जिसका आ चुका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चालू कर दो। मिलते हैं आपको, जय हिंद जय भारत। एंड प्लीज यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड जरूर कर देना।